नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र की। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बच चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारियों को लेकर कमर कस लिया है। ऐसे में अब उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए उतर गए हैं। आपको बता दें कि जहानाबाद में जदयू की तरफ से कृष्ण नंदन वर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं राजद की तरफ से सुदय यादव को जहानाबाद का उम्मीदवार बनाया गया है। जहानाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जहानाबाद जिले में है। आपको बता दें कि यह सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। जहानाबाद विधानसभा चुनाव के वर्तमान में चल रहे घटनाक्रम के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नजर इसके राजनीतिक अतीत और इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2015 के बारे में। साल 2015 के विधानसभा चुनाव को देखें तो इस साल राजद और BLSP के बीच टक्कर रही थी। राजद से मुद्रिका सिंह यादव विधायक रहे थे, वहीं उन्हें 76,458 वोट हासिल हुए थे। वहीं BLSP के टिकट से प्रवीण कुमार को 46,137 वोट मिले थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच कुल 30,321 वोटों का अंतर था। अब बात साल 2010 विधानसभा चुनाव की। साल 2010 की अगर हम बात करें तो इस साल जदयू और राजद में भिड़ंत हुई थी। जदयू के टिकट से अभिराम शर्मा विधायक हुए थे, उन्हें इस चुनाव में 35,508 वोट मिला था। वहीं उनके निकटतम उम्मीदवार सच्चिदानंद यादव राजद से चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्हें 26,941 वोट मिला था। वहीं वो 8,567 वोट से शिकस्त उन्हें झेलनी पड़ी थी। साल 2005 के चुनावी परिणाम को अगर हम देखें तो इस चुनावी साल में फरवरी के महीने में हुए चुनाव में राजद से सच्चिदानंद यादव विधायक हुए थे। वहीं अक्टूबर महीने में वो जदयू के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे थे। साल 2000 के चुनावी साल को देखा जाए तो इस चुनावी साल में यहां राजद का वर्चस्व रहा था। राजद से मुन्नीलाल यादव विधायक रहे थे। साल 1995 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस साल यहां जनता दल का वर्चस्व रहा था। जनता दल के टिकट से यहां मुद्रिका सिंह यादव विधायक रहे। साल 1990 के चुनाव परिणाम की तरफ हम देखें तो इस चुनावी साल में हरिप्रसाद सिंह विधायक रहे थे। हरिप्रसाद सिंह निर्दलीय उम्मीदवार रहे थे और उन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त दी थी, जिससे साफ जाहिर है कि पार्टी से ज्यादा रुतबा शख्सियत का रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र के विकास कार्यों को अगर हम देखें तो सिंचाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। गाँव से मुख्य सड़कों तक सड़क निर्मित कराकर परिवहन को आसान बनाया गया है, सड़कों को चौड़ा किया गया है। वहीं जलापूर्ति को लेकर भी ठोस व्यवस्था की गई है। चुनावी मुद्दों की बात करें तो आर्थिक तंगी बड़ी परेशानी है, किसानों को भी यही समस्या है। वहीं आम जनता भी इससे निदान स्वरूप उद्योग धंधे के विकास को लेकर लगातार मांग कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जहानाबाद सीट के बंटवारे की बात करें तो यहां पर NDA के खाते में यह सीट जदयू के पास गई है, तो वहीं महागठबंधन के हिस्से में यह सीट राजद के पास गई है। ऐसे में जदयू ने जहानाबाद से कृष्ण नंदन वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं राजद ने सुदय यादव को टिकट दिया है। आपको बता दें कृष्ण नंदन वर्मा इससे पहले घोषी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार पार्टी में उनका टिकट बदल गया है। टिकट बदलने के बाद कृष्ण नंदन वर्मा जहानाबाद के क्षेत्र के लोगों से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां उनका यह दाव उल्टा पड़ गया और लोगों ने उन्हें पूछना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि आपको अपना जीता हुआ विधानसभा क्षेत्र छोड़ना पड़ा। कृष्ण नंदन वर्मा अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही वहां से लौट गए। जहानाबाद सीट से लोजपा ने भी अपने उम्मीदवार के नॉमिनेशंस को कर दिया है, लेकिन उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया है। जहानाबाद सीट से लोजपा की उम्मीदवार रानी कुमारी थी, जिनका नॉमिनेशन रद्द हो गया है। ऐसे में उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है और उनके समर्थकों ने जोरदार विरोध किया है। वहीं राजद ने इस सीट पर सुदय यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में कृष्ण नंदन वर्मा को जहानाबाद सीट से जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।